तो दोस्तों YouTube का आ गया है एक जबरदस्त अपडेट जिसका नाम है टेस्ट एंड कंपेयर, और इसी अपडेट के बारे में आज बात करने वाला हूँ। और ये अपडेट किन किन लोगों को मिला है और मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और इसे इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में भी। लेकिन दोस्तों अगर आप नए हो तो इस वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अपडेट्स लाते रहता हूँ। तो ये अपडेट ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो आपको ये व्यूज लाने में मदद करेगा, क्योंकि जब आप अपनी वीडियोस अपलोड करोगे तो आपको 3-3 थंबनेल डालने का ऑप्शन आएगा। तो आप उन थंबनेल को डाल के पता कर सकते हो कि कौन सा थंबनेल आपके वीडियोस का CTR बढ़ा रहा है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि ये अपडेट किन किन लोगों को मिला है और किन लोगों को मिलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपडेट सभी लोगों को मिलने वाला है। और अब बात करते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको डेस्कटॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट आप सोच रहे होंगे कि जो मोबाइल से अपना चैनल चला रहे हैं वो इसे इस्तेमाल कैसे करें, तो आपको मैं उसका भी हल बताऊंगा। तो आए चलते हैं, आपने YT स्टूडियो पर डेस्कटॉप वाले अपना YT स्टूडियो डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, और जो मोबाइल से वीडियोस अपलोड करते हैं उन्हें अपने गूगल क्रोम पे आना है और सर्च करना है youtube.com/desktop, और जो भी पहला लिंक आएगा उसे क्लिक कीजिए। और अब आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप कोई भी नई वीडियो अपलोड कर रहे हो तो सिंपल आप राइट साइड में क्रिएट का बटन दिख रहा होगा, आप उसे क्लिक करके अपनी वीडियो को अपलोड करें। फिर आप टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल के नीचे देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप टेस्ट एंड कंपेयर पे क्लिक करके तीनों थंबनेल को डाल देना। और हाँ, आपका थंबनेल 2 MB से कम ही रहे, और फिर आप जैसे अपनी वीडियोस को अपलोड करते हो वैसे ही इसे भी अपलोड कर देना। लेकिन दोस्तों आपको भी मन में ये सवाल आया होगा कि आपके तीनों थंबनेल में से कोई भी अगर ज्यादा CTR लेकर आता है तो आप उसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका भी हल है मेरे पास। जब आप थंबनेल को सिलेक्ट किए थे उसके 3-4 दिन बाद आपको थंबनेल पे जाकर टेस्ट रिजल्ट पे क्लिक करना है, और जो भी थंबनेल विनर हो या जो भी ज्यादा CTR लाया हो उस पर आपको स्टॉप एंड सेट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उस पर क्लिक कर देना, तो आपका वही थंबनेल सेट हो जाएगा।